वी ने जो है वो गुरु के कई सारे गाने, कई सारे टॉप चार्ट्स के गानों को YouTube से डिलीट करा दिया है, या कह सकते हो कि वो YouTube पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे पूरी तरीके से। वो वी ने जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो रिमूव कराते हुए भी नजर आए, लेकिन वी की तरफ से इतनी उन सबको करने के बाद, इतनी ज़्यादा कार्रवाई करने के बाद वी को जब गुरु के फैंस ने लताड़ना शुरू किया, जब उनको कई सारे जो है वो कमेंट्स करना शुरू किया, तब उनकी तरफ से रिप्लाई आया। उन्होंने लिखा कि जब मेरी कोई बात नहीं सुनता तो मैं उसको फील कराना शुरू कर देता हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हो। लेकिन वी को इससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम है ये गुरु के साथ नहीं है बल्कि टी सीरीज के साथ है, यानी कि टी सीरीज के ऊपर सब कुछ जो है वो जिम्मेदारी है कि सॉन्ग को वापस लेकर आए जाए, यानी कि सॉन्ग को पूरी तरीके से डिलीट नहीं किया गया, बस कहीं ना कहीं उसको स्ट्राइक देकर वो टेक डाउन करा दिया गया है। लेकिन कुछ ही समय में जो है वो टी सीरीज सारे गाने टॉप चार्ट्स के गाने मेड इन इंडिया स्लोली स्लोली तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे गाने लाहौर जिसमें कई सारे टॉप चार्ट्स के गाने जो कि नैन बंगाली भी उसमें शामिल है, यहाँ तक कि वो भी शामिल है, डिज़ाइनर भी शामिल है, जिसके अंदर वी का म्यूज़िक भी नहीं है, लेकिन उसको भी वी ने जो है वो टेक डाउन कराया है। इसके बावजूद भी गुरु के वो भी गाने हमको देखने को मिलते हैं जो कि वी ने उसको कहीं ना कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। हम मानते हैं ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली टी सीरीज के साथ वी की प्रॉब्लम है, लेकिन वी की जो लड़ाई हुई है वो गुरु के साथ हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो पर्सनल अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है वो एक आर्टिस्ट के लिए बुरी बात भी होती है कि आपने एक गाना बनाया, गाने में म्यूजिक दिया, गाना इतना बड़ा हिट हुआ, टॉप चार्ट्स का वो गाना है, इंडिया के टॉप चार्ट्स का गाना है, और आप उस म्यूजिक बनाने वाले आदमी हो और आप उस गाने को इस तरीके से रेस्पेक्ट दे रहे हो जिसने आपका इतना बड़ा नाम किया। और ये कहीं ना कहीं जो है वो पर्सनली और आर्टिस्ट वाइज भी कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत हमें देखने को मिलती हुई नजर आती है, यानी कि वो अपने गाने के साथ ही ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोच सकते हो कि पर्सनली उनके अंदर कितनी ज्यादा हेट हमको देखने को मिल सकता है। गुरु रंधावा के लिए मैं सिर्फ म्यूजिक देना ही सारा काम नहीं होता, 60-40% का जो है वो मार्जिन होता है, म्यूजिक जो है वो 40% कहीं ना कहीं जो मेन पार्ट होता है कहीं ना कहीं एक गाने का, जो कि 60% सिंगर भी उसमें होता है, डायरेक्शन भी उसमें होती है, कंपोजिशन भी होती है, लिरिक्स भी देखे जाते हैं। तो पूरा म्यूजिक जो है वो वी की तरफ से, या कह सकते हो पूरा गाना बनाने वाला वो वी ही नहीं है, और भी कहीं ना कहीं जो बंदे हैं उनको भी रेस्पेक्ट वी को देनी चाहिए थी और वी को भी समझना पड़ेगा। वैसे आप इसके ऊपर क्या कहोगे, उससे कुछ भी पर्सनली नहीं मिलने वाला। चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ ऐसी अपडेट्स आपको। हुन मैच करो सारी क्लास मिशलन स्टार शेफ पीछे बजे लाइव जैज रवे तरती ते करे लिहाज एक हच सिगार दूजे ते ग्लास मलेरी क्लास जी है गड्डी वी जनाब जी है।